दिल्ली में संभावित बिजली संकट को लेकर के कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मसलन दिल्ली सरकार का या दिल्ली का आखिरकार कोल संकट यानी कोयला की कमी से क्या कुछ लेना देना है। अब बात समझिए, पहला सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में क्या कोई ऐसा प्लांट है जो कोयले से चलता है, और अगर नहीं है तो फिर कोयले के संकट से दिल्ली में बिजली की कमी कैसे पैदा हो सकती है। अभी हम राजघाट प्लांट पर खड़े हैं और आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ये पूरी तरह बंद हो चुका है। जी हाँ, सिर्फ राजघाट ही नहीं, दिल्ली के तमाम कोयले से चलने वाले प्लांट बंद हैं पूरी तरह। इसमें पहले राजघाट शामिल था, इंद्रप्रस्थ स्टेशन शामिल था, और साथ ही साथ जो बदरपुर का थर्मल पावर प्लांट है वो शामिल था। ये तमाम बंद कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये प्लांट कोयले से चलते ही नहीं है तो कोयले के संकट का असर दिल्ली पर कैसे पड़ेगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार ये जो तमाम थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट उन्हें कहते हैं जो कोयले से चलते हैं, तो वो क्यों बंद करना पड़ा। उसकी वजह थी दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साफ तौर पर कि दिल्ली में कोई भी ऐसा पावर प्लांट नहीं चल सकता है जो कोयले से चले, क्योंकि कोयले के जलने से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, पीएम की मात्रा बढ़ती है। इसीलिए पिछले कई सालों से ये प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। तो दिल्ली में आखिरकार प्लांट कौन से चल रहे हैं? तो दिल्ली में जो प्लांट चलते हैं वो प्लांट चलता है गैस से, जिनके नाम है गैस टर्बाइन प्लांट, इंद्रप्रस्थ में भी है, और साथ ही साथ नया बनाया गया है बवाना पावर प्लांट। अगर वो तीनों प्लांट चला दिए जाएं जो कि गैस से चलते हैं, तो दिल्ली को तकरीबन 2000 मेगावाट की बिजली सप्लाई हो सकती है। लेकिन आप समझिए कि दिल्ली की डिमांड कितनी है। दिल्ली की डिमांड इस बार जब गर्मी हुई तो सबसे ज्यादा तकरीबन 7400 था, और 7400 में दिल्ली अगर पूरी कैपेसिटी के साथ अपनी बिजली पैदा करे तो 2000 से ज्यादा नहीं जा सकती है, 1900 ही है बल्कि उसका पूरी क्षमता। तो बाकी तकरीबन बचे 5000 या उससे ज्यादा मेगावाट के लिए उसे बाकी प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है, और इनमें से ज्यादातर कोयले से चलने वाले प्लांट है यानी थर्मल पावर प्लांट है, जैसे दादरी है, झज्जर है, इस तरीके के पावर प्लांट है। इसीलिए दिल्ली सरकार कह रही है कि कोयले संकट का असर, कोयला का जो कमी होगी उसका असर दिल्ली की पावर सप्लाई पे पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कल की बात करें, अगर संडे था तब भी 4500 मेगावाट बिजली की डिमांड थी, अभी दिल्ली में बन रही है सिर्फ 1300 मेगावाट बिजली, यानी समझिए कि तकरीबन 4 गुना डिमांड है, जितनी अपनी पैदावार है दिल्ली की उससे 4 गुना ज्यादा डिमांड है। तो उसको पूरा करने के लिए आपको बाहर से बिजली चाहिए, बाहर जो बिजली बन रही है वो कोयले से बन रही है, अपना प्लांट बंद है कोयले का। इसीलिए कोयले को लेकर के हाय तौबा मची हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कमी अगर कोयले की होगी तो दिल्ली में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। तो समझिए उसका गणित क्या है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली को के प्लांट खुद कोयले से नहीं चल रहे हैं तो दिल्ली को कोयले से चलने वाली बिजली की जरूरत नहीं है, दिल्ली को भी उतनी ही जरूरत है, और इसीलिए मुश्किल है। और हम बता दें कि जो गैस से पावर बनता है यानी बिजली बनती है उसकी कीमत तकरीबन 17 रुपए प्रति यूनिट बैठ रही है, क्योंकि जो गेल से गैस मिल रही है वो महंगी मिल रही है, ऐसा दिल्ली सरकार का दावा है, और जो उनका जो एग्रीमेंट है वो काफी महंगा है। इसीलिए दिल्ली सरकार कहती है कि हमें फायदेमंद नहीं है गैस से बनाना, अगर हम गैस से बिजली बनाएंगे तो लोगों को महंगी बिजली मिलेगी, इसीलिए हमको कोयले की जो बिजली है वो बाहर से खरीदनी पड़ रही है। तो इसीलिए यही समझिए कि जब सोशल मीडिया पे चलता है कि दिल्ली के पावर प्लांट कोयले से चल ही नहीं रहे हैं तो दिल्ली सरकार क्यों हाय तौबा मचा रही है, तो उसकी वजह यह है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर चलने वाले कोयले के प्लांट के लिए नहीं बल्कि जहां से बिजली खरीदती है वहां बंद हो गया, वहां से बिजली की आपूर्ति बंद हो गई, तो फिर कैसे दिल्ली वालों को बिजली मिलेगी, इसलिए ज्यादा चिंतित है।